सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो गई है, तो जिनके मार्क्स है ठीक ठाक थे फिर भी उनको जो है फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको सेकेंड राउंड में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है कैसे डालनी है ताकि उनको सीट मिलने के साथ साथ एक अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है। और जिनके मार्क्स कम हैं जैसे कि 60 से लेके 100 110 इसके बीच में वो अगर वेरी कर रहे हैं, तो उनको जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है कैसे बनानी है। और एक बात आपको अगर मैं कहूँ तो आपके पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि मॉपअप राउंड में वैसे भी जो है सीटें बहुत कम बची जाती हैं, तो आपके पास समझो कि बहुत अब लास्ट चांस है कि आपको सीट मिलने की। क्योंकि मॉपअप राउंड में देखो वो लक की बात होती है कि आपको सीट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो नहीं मिलता है फिर। तो इसलिए समझो कि आपके पास बहुत आखिरी मौका है, तो आपको बहुत सोच समझ के जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनानी है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और पूरा अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनानी है। तो इसलिए जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस अकेडमी में। आई एम शोम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो बच्चों देखो, सीनेट का जो इस बार कंपटीशन का लेवल था इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जिन बच्चों के जो मार्क्स थे वो अगर उनके 145 से अगर 147 के भी बीच में थे तो भी जो है उनको कॉलेज जो है अलॉट नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि जो कंपटीशन है इसका लेवल किस हद तक जो है बढ़ गया है। तो आपको उस इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को जो है बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से बनानी है, ताकि जो है आपको इस बार कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो देखो इनके मार्क्स जो है 145 से 147 भी थे, फिर भी इनको कॉलेज क्यों नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो, या तो इन्होंने दो गलतियां की होंगी, पहली गलती इन्होंने एक ही होगी, इन्होंने जो कॉलेजेस की चॉइसेस की होंगी वो गलत किया होगा। क्या जो इन्होंने कॉलेजेस की ठीक है जो चॉइस की होगी वो क्या किया होगा, इन्होंने गलत किया होगा, ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी गलती इन बच्चों ने क्या किया होगा कि आपने जो है कॉलेजेस कम सेलेक्ट किए होंगे। क्या जो है कॉलेजेस इन्होंने कम सेलेक्ट ठीक है इन्होंने क्या कम सेलेक्ट किए होंगे। अब बच्चे जो है कॉलेजेस कम सेलेक्ट क्यों करते हैं, उनको लगता है कि हम अगर सिर्फ टॉप के कॉलेज डालेंगे तो हमें उसमें से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आपको जो है वो टाइम और जो उस टाइम जो कट ऑफ के हिसाब से, जब आपको पता है कि आपके अभी इस बार जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉलेजेस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ टॉप कॉलेज को ही आप मत सेलेक्ट करो स्टार्टिंग में, आप अपने नंबर के हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डालनी चाहिए। तो गलती की है इन लोगों ने जिनके मार्क्स कितने थे 145 से 147 लगभग, इनको जो है जनरल कैटेगरी से अगर है तो इनको ओबीसी में भी कुछ कहेंगे, ईडब्ल्यूएस में भी कहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ इतने पे। तो इन्होंने ये जो गलतियां मैंने आपको बताई, इन्होंने ये दो गलतियां की हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। तो देखो मॉपअप में जो है बहुत कम चांस रहता है, तो सेकेंड राउंड में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है अब मैं आपको बताता हूं। देखो जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं अगर 130 बिलो हैं तो इस बार उनको जो है कॉलेज आप अगर जनरल कैटेगरी से या फिर अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी आप बिलोंग करते हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो अगर आपके जो है 60 नंबर्स लेकर के अगर 120 हो गया, 125 या फिर मैं अगर 130 भी कहूँ, अगर आप इसके बीच अगर आप जो है अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाना तो मुश्किल है। तो अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही आप लोग सेलेक्ट करो जो आपको कॉलेज चाहिए। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें जो है सीट्स अभी वैकेंट रह गई हैं, तो आप लोग जो है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही सेलेक्ट करो, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज ना डालो, तो आपके जो है कॉलेजेस मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो अगर आप वैसे भी देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा फीस नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप जो है ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तो आप लोग जो है सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस को ही सिलेक्ट करो, गवर्नमेंट कॉलेज को मत सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको जो है वो कॉलेज मिल पाना बहुत मुश्किल है। और इसके बाद देखो ये तो बात हो गई, मतलब जिनके मार्क्स जो है 60 70 80 90 100 नंबर ऐसे हैं, 120 125, ये तो जनरल कैटेगरी से अगर आप देखो तो आपको इतने से नहीं मिल पाएगा। अगर हाँ, अगर आप जो है वो एससी एसटी या फिर किसी और सब कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कॉलेजेस मिल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एक जो मैं आपको आइडियल आपको जो बता रहा हूँ स्कोर, अगर आप इतने के बीच में हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस इस बार बहुत कम है, क्योंकि सीटें बहुत कम बची हैं सभी कॉलेजों में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप जो है
अगर आप जैसे 130 से लेकर के मान लो अगर आप जो है 145, 147, ठीक है, 148 भी अगर आपके हैं, तो आपको जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे डालनी है। तो देखो अब इस टाइम पे अगर आपको जो है अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको देखो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ अब करना क्या है कि आप सारे देखो स्टार्टिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज ही डालो और लास्ट के जो है आप एक दो प्राइवेट कॉलेजेस डाल दो, क्योंकि अगर आप जो है चाहते हो कि आप ड्रॉप ना नहीं लेना चाहते हो आगे जो है बीएससी नर्सिंग बिना ड्रॉप लिए आप करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे भी हैं और उनके फीस नहीं है, तो आप जाके जो इसकी सीट मैट्रिक्स है ABVMU की आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट आपको डालनी है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो देखो कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जहाँ के जो वो जिनका कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम जाता है, तो मैं आपको कुछ जो है वो कम कट ऑफ वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके नाम बताता हूँ, तो आपको जो है उनको एक बार नोट डाउन कर लो। तो आप उनको करना क्या है कि आपको स्टार्टिंग में आप ऐसे अगर आपके मार्क्स जैसे मान लो कि 140 है, तो आप KGMC को मत सेलेक्ट करो, आपको नहीं मिलेगा वो। उसके बजाय अगर आप कम कट ऑफ वाले लो कट ऑफ वाले आप कॉलेजों को सेलेक्ट करेंगे तो आपके मिलने के जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के नाम बताता हूँ जिनके जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाती हैं। तो जैसे देखो जो एक आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर सहारनपुर है, सहारनपुर हो गया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कन्नौज हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है GMC और यही मान लो हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे आपका बस्ती हो गया, ठीक है, बस्ती हो गया। उसके बाद आता है आपको जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मान लो आजमगढ़ हो गया। फिर आपके आते हैं जो और कॉलेज जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका बहराइच हो गया। तो ऐसे जो नए कॉलेज अभी आप एक बार अभी इतना जल्दबाजी मत करो, आप एक बार अच्छे से रिसर्च कर लो, और जो कॉलेजेस भी रिसेंटली मतलब साल दो साल पहले ओपन हुए हैं तो अगर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इनको डालते हैं तो आपके जो है कॉलेजेस मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। तो आप लोग जो ज़्यादा टॉप के कॉलेजों पर आप ज़्यादा फोकस मत करो, आप कुछ ऐसे ऐसे जो मतलब सहारनपुर हो गया, कन्नौज हो गया, उदयी, बस्ती, आजमगढ़, बहराइच, तो ऐसे और बाकी मिर्ज़ापुर, तो वैसे मतलब कई सारे ऐसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एक बार आप उनकी जो है लिस्ट अच्छे से बना लो जो भी रिसेंटली में ओपन हुए हैं, तो उनकी कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाती है और अभी सीट भी वहाँ मैं देख रहा हूँ वैकेंट है सीट मैट्रिक्स में, तो आप अगर उनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालेंगे। इसके बाद देखो आप कुछ जो है प्राइवेट कॉलेज भी आप लोग सेलेक्ट कर दो एक दो। तो अगर आपको मान लो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और आप जो है ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज ताकि सर्ण में अलॉट हो जाए। अभी बहुत सारे ऐसे मतलब लगभग जो जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें सीटें जो है अभी खाली हैं, वो जिनके जो मार्क्स थे वो बिलो 100 हैं, ठीक है, तो उनके देखो अभी तक आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे। अब आप लोग जो है एलिजिबल आई थिंक हो गए होंगे जिन बच्चों के, बाकी का जिनका नहीं होगा तो वो भी हो जाएंगे, थोड़ा वेट कर लें। तो आप लोग देखो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही सेलेक्ट करो जिनके मैंने पहले ऊपर ही बता दिया है कि जिनके मार्क्स देखो कम है, अगर आप 115, 120, 100 ऐसे है गया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेजेस आप सिर्फ सेलेक्ट करो और अपने बजट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगा कॉलेज सेलेक्ट कर लें, तो आपको जो है वो अपने बजट के हिसाब से अगर आप उतने वैसे लाख 1 लाख 1.5 लाख तक कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे पड़े हैं, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लीजिए। और बाकी देखो उसके बाद आपसे एक और बात करनी थी मेरे को कि आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे आप लोग बनवा लो, डॉक्यूमेंट्स आप लोग उसको पूरे अपने कंप्लीट जो है बनवा लीजिए। नहीं तो मैं इस बार देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिला है फिर भी उनका जो था कैंसिल हो गया, हो उनका अलॉटमेंट, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी देखो मेरे नोन में ही एक दो केस ऐसे थे कि जिनको KGMC भी मिला था यहाँ पे, वो आए एडमिशन के लिए, बट उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर उनका कुछ और ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं या फिर जैसे उनका TC हो गया, कुछ और चीज़ें तो उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उनका जो है एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया यहाँ से। तो इन सब चीज़ों से आप लोग अगर बचना चाहते हैं तो एडमिशन से पहले आप लोग सबने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका जो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग बनवा लो, क्योंकि बिना इसके आपको एडमिशन नहीं मिलेगा यहाँ गवर्नमेंट सीट में। तो आपको समझना होगा कि आपको आने से पहले ये सारे अच्छे से प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, ना कि आप लोग जल्दबाजी में भागो एडमिशन के लिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, इन सबको अच्छे से बनवा के प्रिपेयर होकर तब आप लोग एडमिशन लेने आइए, अदरवाइज जो है आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है।
तो इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह से अगर आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों में आप ना पढ़ें, तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके आइए, ताकि जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए और आपको जो है सीट आपकी लॉक हो जाए। फिलहाल जो है आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।